Very much respected Chairman sir, Director ma'am, Principal sir, my dear colleagues and students, good morning. बच्चे पहले आप व्यंजन सीखे है ना हिंदी के और हिंदी और पंजाबी के भी व्यंजन सीखे हमने. आज हम इंग्लिश के कंसोनेंट्स के बारे में सीखेंगे. जैसे हिंदी का जो क वर्ग है ना, इसको हम किस में रखते हैं? कंठी. हाँ, जो ये साउंड्स होती है ना, ये यहाँ से शुरू हो जाती है, उसके बाद आगे 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 और हमारे लिप्स पे आके खत्म होती है ना, ये सभी जो साउंड्स है. तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है? ग्लैटल. ग्लैटल, ग्लैटल यहाँ से जो साउंड आती है, जैसे हम बोलते हैं एच जो लेटर है, जो उसकी साउंड है ना, वो ग्लैटल से शुरू होती है. जैसे बस इसकी इधर से गले से आवाज आ रही होती है ना, तो ये आप लिखोगे ग्लैटल. इसमें कौन सा लेटर आता है इंग्लिश का? एच. इसकी साउंड आती है जो हमारे गले से आती है. उसके बाद था हिंदी में कंठी. कंठी ध्वनि के जो अक्षर थे, जो क से शुरू होते हैं और ङ तक, इसे अंगा नहीं बोलना, ठीक है? ङ, क, ख, ग, घ, ङ. बोल के देखो मेरे जैसे आप भी, क, ख, ग, घ, ङ. कहाँ से साउंड आ रही है? कहाँ से साउंड आ रही है? देखो, क, ख, कंठ से साउंड आ रही है ना? तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? वेलर. वेलर, ठीक है? हिंदी में कंठी और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? वेलर. उसके बाद देखो, च, श, ज, झ, ञ. हिंदी में हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं? तालवी. क्योंकि जो हमारी जीभ है वो हमारे तालवे से टच करती है ना. बोल के देखो, जैसे बोलो च, श, ज, झ, ञ. ताल, देखो आपको पता चला तालवा कहाँ पे होता है? जो हमारे कंठ के आगे वाला भाग है ऊपर, है ना? तो जीभ हमारी उसको टच कर रही है. इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेटल. पैलेटल. आगे है ट, ठ, ड, ध, ण. हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा. मतलब जो हमारी जीभ है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है? रिट्रोफ्लेक्स. रिट्रो का मीनिंग क्या होता है? उल्ट, ठीक है? रिट्रो का मीनिंग क्या होता है? उल्ट. रिट्रोफ्लेक्स जीभ हमारी, देखो आप भी बोल के लेटर्स को, ट, ट बोलोगे तो जो आपकी जीभ है वो ऐसे उल्टी हो जाती है, ठीक है? ट, ठ, ड, ध, ण. तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? रिट्रोफ्लेक्स. आगे त, थ, द, ध, न. त, त, दंती. दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच कर रही है अंदर से, है ना? त बोल के देखो, त, थ, द, ध, न. तो इसको हम डेंटल बोलते हैं. डेंटल कहाँ से बना है? दांतों से, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंटल. लास्ट जो वर्ग है पांचवा, पांच ही वर्ग पढ़े थे हमने हिंदी में भी और पंजाबी में, तो इसमें भी हम पांच ही पढ़ते हैं एक बार. देखो, प, फ, ब, भ, म. जब हम इनको बोलते हैं, है ना, इन लेटर्स को हमने बोला है, तो हमारे हाँ लिप्स है जो दोनों लिप्स, ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, वो टच करते हैं एक दूसरे को. बोल के देखो एक बार फिर, प, प, ब, भ, म. तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलिबियल. बाय मीन्स टू, दो से बना है ना. बाय मीन्स क्या होता है? दो, टू. लिबियल मीन्स लिप्स. जब हमारे दोनों लिप्स जुड़ के जो साउंड निकालते हैं उसको हम फिर क्या बोलते हैं? बाइलिबियल.
तो एक आगे देखो लिपियो डेंटल भी होता है इंग्लिश में, ठीक है। लिपियो डेंटल्स मीन्स लिपियो, हमने उधर भी पढ़ा है। देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है, लिपियो मीन्स हाँ, डेंटल मीन्स, तो जहाँ जो साउंड्स हम लिप्स और टीथ की हेल्प से बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपियो डेंटल। तो कल हम इंग्लिश के कौन से कॉन्सोनेंट्स इनके अंडर आते हैं वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।